नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज के किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वैशाली और आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान रेसिपी दाल पालक बनाना। अगर आपने कभी खाना भी नहीं बनाया है तो भी ये रेसिपी फेल नहीं हो सकती, इतनी आसान है ये रेसिपी। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगते हैं और इसका स्वाद लाजवाब होता है। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दाल पालक बनाने के लिए हम लेंगे 250 ग्राम पालक, फिर हम लेंगे आधा कप अरहर की दाल जिसे तुअर की दाल भी बोलते हैं, और 1/4 कप हम लोग देंगे चना दाल। ये रेसिपी आप सिर्फ अरहर दाल या फिर सिर्फ चना दाल लेकर भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से है। मैं दोनों दालों का कॉम्बिनेशन इसमें डालती हूँ। इस भाजी में बहुत सिंपल मसाले पड़ते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक प्याज, मीडियम साइज का प्याज है ये कटा हुआ, फिर एक मीडियम साइज का टोमेटो कटा हुआ, थोड़ा सा इमली का टुकड़ा 2 इंच है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो इसकी जगह पे कच्चा आम काट कर भी डाल सकते हैं। 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्चें, मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है, आप चाहे तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं, बस इसका कॉन्ट्रास्ट पालक के साथ अच्छा दिखता है इसलिए मैं लाल मिर्च डालती हूँ। फिर हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और 1 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, पिंच ऑफ एसाफोटिडा या फिर हिंग, लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट 3/4 टेबल स्पून, और हमने यहाँ पर पीनट्स लिए हैं, ग्राउंड नट्स, और ये मैंने लिए है 2 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, मेरे घर में ये पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ इसको, और तेल लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून। तो दाल भाजी बनाना शुरू करते हैं। जब भी आप पालक की कोई भी रेसिपी बनाएं, पालक को बहुत अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी बहुत सारे पानी में ये पालक डुबो दूंगी और हर पत्ता उसका अच्छे से पीछे से और ऊपर से क्लीन करूंगी। पालक के पत्ते भी अच्छे से धुल चुके हैं, हम लोग अभी इसको चॉप कर लेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। हमने चॉप कर लिया है, अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब ये तुअर दाल और चना दाल को भी पानी से अच्छे से धो के हम इस पालक में ऐड कर देंगे। एक धुली हुई तुअर दाल, ये धुली हुई चना दाल। इसमें हम डालेंगे 2 ग्लास पानी, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, और इसको मिक्स करके हम इसको अभी प्रेशर कुक करेंगे 3 व्हिसल्स होने तक। अब 3 सीटी हो गई है कुकर की, अब हम इस कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसको थोड़ा सा मंथ लेंगे इस मंथने से। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको। अभी भी देख सकते हैं थोड़ी चना दाल ऐसी दिख रही है, तो ये ऐसी ही अच्छी लगती है दाल। इसके साथ तड़का बनाएंगे। पैन में हम लोग तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाते हैं हम इसमें डालेंगे राई और जीरा, और जैसे ही राई और जीरा तड़कने की आवाज़ आती है हम डालेंगे ये मूंगफली के दाने, ऐसे थोड़ा सा भुनेंगे। मूंगफली के दाने ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है आपके दाल में दाने तो आप मत डालें। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है हम लोग डालेंगे प्याज, और जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है हम डालेंगे लाल मिर्च इसमें, आप इन लाल मिर्चों को ऐसे पूरी भी डाल सकते हो, तोड़ के भी डाल सकते हैं, तोड़ के डालने से वो ज़्यादा स्पाइसीनेस आ जाएगा दाल में। अगर आपको नहीं चाहिए वो स्पाइसीनेस, सिर्फ कलर के लिए चाहिए तो फिर आप वैसे ही डाल सकते हैं, फिर इनको बड़े लोग खा सकते हैं और बच्चे अवॉइड कर सकते हैं ये मिर्ची। अब हम डालेंगे इसमें ये टमाटर,
अभी इसको हमें टमाटर गलने तक थोड़ा पकाना है। अभी टमाटर गल चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे ये हींग, लाल मिर्च पाउडर और नमक। आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि दाल का स्वाद इतना अच्छा होता है तो हमें मसालों की क्या ज़रूरत है। मैं इसे बिना गरम मसाले के ही बनाती हूँ हमेशा। आप चाहे तो आप गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे ये पकी हुई दाल इसमें। इसको अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये इमली का टुकड़ा। आप चाहे तो, अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं। अब हमें इसे 5 से 10 मिनट तक पकाना है क्योंकि ये इमली का स्वाद उसमें आ जाना चाहिए। और ये बहुत गाढ़ा है अभी, तो मैं इसमें अभी कुकर वॉश करके उसका पानी मैं इसमें डाल दूंगी। लगभग 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है इसमें। इसे हमें थोड़ा पतला ही रखना है क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चना दाल डाली है तो उसके कारण ये गाढ़ा हो जाता है। तो अभी हम इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। अब ये दाल बन चुकी है, हम लोग गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्व करते हैं। ये दाल सादी तवा रोटी के साथ अच्छी लगती है और चावल के साथ तो ये बेस्ट लगती है। मुझे आशा है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ऐसी ही इजी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी आने वाली सारी रेसिपीज का। धन्यवाद।